अच्छी इनकम के लिए 22 दिन पहले दो युवकों ने शुरू किया हेरोइन सप्लाई का धंधा। दिल्ली में नाइजीरियन से 2.25 लाख की हेरोइन की खेप लेकर फतेहाबाद पहुंचे तो पुलिस के हत्थे चढ़े। फतेहाबाद के हेरोइन सप्लाई के लिए गाड़ी में बैठे थे दोनों युवक। पुलिस ने 145 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। सिटी थाना SHO सुरेंद्र कंबोज बोले, गिरफ्तार युवक भूप सिंह फतेहाबाद की माथुराम कॉलोनी तो भरत सिंह गांव दौलतपुर का रहने वाला है। ये कल हमें सूचना मिली थी कि सुभाष हॉस्पिटल के पास एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं, उनके पास नशे का सामान हो सकता है। इस पे टीम तैयार करके मौके भेजा तो उनके पास 145 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। तो जो दोनों व्यक्ति है, एक का नाम तो भूप सिंह है और दूसरा भर सिंह है, तो दोनों के खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और एक रिमांड हासिल किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अच्छी इनकम के लिए युवाओं को नशा सप्लाई करने का धंधा 22 दिन पहले शुरू किया था। फतेहाबाद जिले में ही युवाओं को सप्लाई कर रहे थे ये लोग नशा। बीते दिन 2.25 लाख रुपए कीमत की 145 ग्राम हेरोइन लेकर दोनों फतेहाबाद में शिवाज अस्पताल के पास गाड़ी में बैठे थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों युवक फतेहाबाद जिले के रहने वाले हैं और दोनों ही मोटा पैसा कमाने के लिए नशा सप्लाई के धंधे में आए थे। सिटी थाना SHO सुरेंद्र कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भूप सिंह और भरत सिंह ने 22 दिन पहले नशा सप्लाई का धंधा शुरू किया था और बीते दिन दोनों दिल्ली में एक नाइजीरियन से 145 ग्राम हेरोइन की खेप लेकर फतेहाबाद पहुंचे थे। यहां भट्टू रोड पर शिवाज अस्पताल के नजदीक दोनों एक गाड़ी में हेरोइन सप्लाई के लिए बैठे थे कि पुलिस को मौके पर ही सूचना मिलते ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया।